नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ के बारे में। आज के डेट में वायरल डॉग प्रोडक्ट की बड़ी शॉर्टेज हो गई है, तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इस सेशन के माध्यम से कि AWPL का वायरल डॉग प्रोडक्ट क्या है, इसके कंपोजिशन के बारे में, इसमें कौन कौन से पदार्थ मिलाए गए हैं, इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे होते हैं और इस्तेमाल की विधि और उस इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, इन सारी बातों की चर्चा हम इस सेशन के माध्यम से करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक और हम जानेंगे कि वायरल डॉग का इतना शॉर्टेज कैसे हो गया, अचानक इसकी इतनी खपत क्यों बढ़ गई है, इन सारी बातों की चर्चा हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं AWPL का वायरल डॉग प्रोडक्ट है क्या। वायरल डॉग प्रोडक्ट AWPL एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया गया एक हर्बल प्रोडक्ट है लिक्विड फॉर्मेट में, जो कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया और वायरस से जनित रोगों को उनसे लड़ने की क्षमता और शक्ति प्रदान करती है। इसे एक एडवांस इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। इसे विभिन्न प्रकार की औषधियों से मिलाकर बनाया गया है। तो आइए देखते हैं इसे कौन कौन से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हें कौन कौन से पदार्थों से मिलाकर बनाया गया है, देखते हैं। इसमें तुलसी है, अदरक है, मुलेठी है, काली मिर्च है, गिलोय है, अश्वगंधा, पपीता, अर्जुन छाल, हल्दी, लहसुन, हरड़, बहेरा, आंवला तीनों हैं, त्रिफला है। दोस्तों, गिलोय जो है एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में जाना जाता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे हमें मौसमी बुखार इत्यादि से बचने में काफ़ी सहायता मिलती है। इसके अलावा यदि हम हल्दी की बात करें तो ये हमारी सुंदरता के अलावा प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में काफ़ी कारगर होती है। लहसुन के उपयोग जो हैं वो पाचन, हृदय रोग, सांस संबंधी समस्या तथा त्वचा विकारों के लिए किया जाता है, इसमें लहसुन भी मिलाया गया है। इसके अलावा त्रिफला जो है बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेद है, ये तीन फलों से मिलाकर बनाया गया है। आपको इंग्रेडिएंट में भी बताया गया है, हरड़, बहेरा और आंवला, ये तीनों का मिक्सर है त्रिफला। त्रिफला के द्वारा पाचन तंत्र जो हमारा है वो सही रहता है, हमारी भूख बढ़ती है, कब्ज, गैस इत्यादि की जो शिकायत होती है वो दूर हो जाती है। यदि हम मुलेठी की बात करें, इसमें मुलेठी भी मिलाया गया है, तो मुलेठी के इस्तेमाल से अधिकांशतः खांसी हुआ या गले में कफ हुआ, इन सब चीज़ों के लिए मुलेठी का इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो मुलेठी इसमें मिलाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं तुलसी। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी की पूजा होती है, इससे होने वाले चमत्कारिक फायदे के चलते इसे हर घर में लगाया जाता है। तुलसी पौधे के हर एक पार्ट गुणकारी होते हैं, ये औषधि के रूप में काम करता है, जैसे ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है तथा हमें सर्दी, जुखाम, खांसी इत्यादि से हमें राहत दिलाने में काफ़ी कारगर होती है। यदि बात करें हल्दी की, तो ये हमारे रसोई घर में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली एक औषधीय गुणों वाली मसाला है, जो कि हमें कई रोगों से छुटकारा दिलाने में मदद करती है, जैसे कैंसर हुआ, हृदय संबंधी विकार हुआ, सौंदर्य प्रसाधन में भी ये हल्दी का जो इस्तेमाल है काफ़ी बढ़ गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अदरक। अदरक ये बहुत ही बेहतरीन होती है, ये खाने के स्वाद को ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के ज्वाइंट्स पेन हुआ, जैसे उनमें दर्द होता है, गठिया का दर्द होता है, इसमें काफ़ी राहत दिलाती है। काली मिर्च की यदि हम बात करें, तो ये हमारे रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली पाचन संबंधी समस्या हो या सर्दी खांसी हो, इसमें बहुत ही लाभकारी होती है। ये हमारे शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी कम करती है, हमारे शरीर के बॉडी वेट को भी घटाने में काफ़ी कारगर है। इसमें पपीता की पत्तियां भी मिलाई गई हैं, पपीता की पत्तियाँ काफ़ी गुणकारी होती हैं, ये हमारे प्लेटलेट्स काउंट्स को इंक्रीज करने में काफ़ी सहायक होती हैं। इसमें अर्जुन छाल भी मिलाया गया है, अर्जुन छाल हृदय संबंधी विकारों को दूर करने में काफ़ी कारगर होती हैं,
इसके अलावा इसमें अन्य भी पदार्थ मिलाए गए हैं जो कि काफ़ी हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी माने गए हैं। इसके इस्तेमाल से होने वाले फ़ायदे, बैक्टीरिया और वायरस से हमारे बॉडी की रक्षा करती है, सर्दी खांसी या मौसमी बुखार है उससे हमें बचाती है, ये एक एंटीबायोटिक एवं एंटीवायरल प्रोडक्ट है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को इनक्रीज करके और उसे और भी स्ट्रांग करती है। यदि हम इसके इस्तेमाल के तरीके और सावधानियों के बारे में जाने तो इसे 25 से 30 ml दो बार इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट सनलाइट से बचा कर रखना है और इस्तेमाल करते समय इसे 1 month में इसे यूज कर लेना है, ठंडे और सूखे स्थान पर इसे रखना है। इसके अलावा इस्तेमाल करने से पहले चिकित्सक से और एक्सपर्ट से ज़रूर परामर्श ले लें इसे किस तरह से और किस विधि से इस्तेमाल करना है इत्यादि के बारे में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि AWPL का वायरल डॉग क्या है, इसके कंपोजिशन क्या है, इसे कौन कौन से इन्ग्रीडियंट से मिलाकर बनाया गया है, इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे हैं और इसकी सावधानियां और इस्तेमाल करते समय क्या सावधानियां बरतनी है इत्यादि की हम बात इस वीडियो के माध्यम से किए। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आप ये जान चुके होंगे कि वायरल डॉग प्रोडक्ट आज की डेट में इसकी शॉर्टेज क्यों है, क्यों इतना इसका अचानक खपत बढ़ गया, इन सारी बातों की जवाब आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। और दोस्तों, यदि आप इस वायरल डॉग प्रोडक्ट को मंगाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हो एक मैसेज फ्लैश कर रहा है, उससे कॉन्टैक्ट करके आप इस प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।